किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार का जबरदस्त विरोध किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ मौन व्रत पर बैठेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। 18 सितंबर से गांधी पार्क में मौन व्रत पर हरीश रावत बैठेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। किसानों की परेशानी बढ़ाने के लिए 3 अध्यादेशों को मंजूरी दे रही है केंद्र सरकार। सरकार इन अध्यादेशों को कानून बनाना चाहती है जो किसानों के हित पर नहीं है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने विस्तार से जताया अपना विरोध। बाकायदा कई पेज का सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वायरल किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 3 अध्यादेश सरकार लाना चाह रही, जिन्हें कानून बनाना चाह रही है, वो दरअसल किसान विरोधी हैं और उसी का विरोध करने के लिए अब मौन व्रत पर बैठेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटे हैं हरीश रावत। तो हरीश रावत अब मौन व्रत के जरिए सरकार की टेंशन बढ़ाएंगे। मौन व्रत में बैठेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है किसी न किसी तरीके से। अब किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए मौन व्रत पर बैठेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 3 अध्यादेशों को मंजूरी दे रही है केंद्र सरकार, वो अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, किसान विरोधी है अध्यादेश, और ऐसे में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, कांग्रेस उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। तो हरीश रावत लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बैलगाड़ी यात्रा निकाल करके भी हरीश रावत ने विरोध प्रदर्शन किया था और अब मौन व्रत रख करके वो प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ मौन व्रत पर बैठेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। 18 सितंबर से गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठेंगे हरीश रावत। किसान हो, बेरोजगार हो, करप्शन हो, तमाम मुद्दों को लेकर हरीश रावत लगातार उत्तराखंड की सरकार पर कटघरे। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता सुभाष भरतवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, हरीश रावत एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर मौन व्रत रखने जा रहे हैं, क्या मौन रहकर सरकार की टेंशन बढ़ाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत? नहीं, देखिए, अब कांग्रेस तो राजनीति कर रही है और ऐसे समय में जबकि तमाम राजनीतिक दलों को सत्ता पक्ष के साथ, देश की सरकार के साथ, देश के 135 करोड़ लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे अवसर पर बहुत क्षुद्र स्वार्थों के लिए जिस प्रकार से जो है प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेता राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसानों की चिंता करने वाले श्रीमान हरीश रावत जी को यह भी देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में आखिर किसानों के लिए क्या किया गया। यदि उनके कार्यकाल में कुछ उल्लेखनीय कार्य होते हैं, हुए हैं या किए गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको स्वाभाविक तौर पर अधिकार है इस बात को उठाने का। लेकिन भरतवाल साहब, एक सवाल तो वाजिब है ना कि देखिए, पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तर प्रदेश तक किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से जो 3 अध्यादेशों को सरकार मंजूरी दे रही है उनका लगातार विरोध कर रही है और कांग्रेस भी अब किसानों के साथ खड़ी हो रही है, यानी सेंटीमेंट के साथ अब कांग्रेस खड़ी हो रही है, तो ऐसे में कुछ टेंशन तो होगी ना बीजेपी को? नहीं, देखिए, जब भी कोई अध्यादेश या बिल पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर आता है तो वो स्वाभाविक तौर पर किसी वर्ग विशेष को लाभान्वित करने के लिए ही आता है। अब बात यह है कि राजनीतिक चश्मे से जो है राजनीतिक दल उसमें खामियां निकालकर उस वर्ग विशेष को भ्रमित करने के लिए अपनी राजनीति की ढाल बना लें,
यही होता रहा है राजनीति में, और आज कांग्रेस भी वही कर रही है। जो विधेयक जो है इस समय लंबित है, जिसको सरकार ला रही है, वो किसानों के हित के ही विधेयक हैं, और उसमें कोई भी सरकार ऐसा 90-70-80% जो है कि खेती किसानी आधारित देश में कोई भी सरकार, चाहे हमारी हो या दूसरी हो, ऐसा कोई विधेयक या बिल कैसे ला सकती है जिससे किसानों को नुकसान होता हो। लेकिन बाल की खाल निकाल कर जो है किसानों को भ्रमित करना, ये होता रहा है देश के अंदर। और इस समय जिस प्रकार पेंडेमिक काल चल रहा है, इसमें इनको ये लगता है कि यह अवसर है इनके लिए राजनीतिक लाभ का, और इसलिए लगातार जो है किसानों को भ्रमित करते हुए। बिल्कुल, तो कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। फहीम तनहा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। फहीम, जिस तरीके से हरीश रावत कभी बैलगाड़ी यात्रा के जरिए तो कभी मौन व्रत रह करके देहरादून में या कहें उत्तराखंड में सरकार की टेंशन बढ़ाते रहते हैं, अब किसानों के मुद्दे को जो उठा रही है कांग्रेस, कितना समर्थन मिल सकता है? फहीम, आप हमारे साथ रुकिए। इस वक्त सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। धस्माना साहब, मौन व्रत के जरिए बीजेपी का टेंशन बढ़ाएंगे आप लोग? जी, टेंशन नहीं बढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं, हम तो किसानों के समर्थन में बैठ रहे हैं। किसानों की अगर समस्या प्रदेश में है और हमारे कोई लीडर्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो किसानों के समर्थन में हम कर रहे हैं। इसमें टेंशन बढ़ाने वाली लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस वक्त ये बेहद ही संवेदनशील समय है, इस वक्त देश के साथ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमेशा इसी तरह से देश के खिलाफ कांग्रेस एक अलग लाइन लेकर चलती है और इसीलिए हाशिए पर रहती है। इस वक्त देश को जरूरत है कि चाइना के मुद्दे पर भाजपा का साथ दे कांग्रेस। आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सुभाष बर्थवाल की बात कर रहा हूँ। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में। तो नहीं, इस समय चाइना के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है, आप ये बताइए। जो हालात इस समय बॉर्डर में है, देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से दौड़ लगा गए, पेश ही नहीं किया पार्लियामेंट को, उनके रक्षा मंत्री पूरे देश को बता रहे हैं कि 48,000 वर्ग किलोमीटर पे चाइना घुस आया है, और प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे थे न कोई घुसा है न किसी चौकियों पे कब्जा हुआ है, और उनके उनके बयान जब रक्षा मंत्री दे रहे हैं पार्लियामेंट में, तो प्रधानमंत्री दौड़ लगा गए। किसानों के जिन अध्यादेश को आप किसान के विरोध बता रहे हैं, सुभाष बर्थवाल कह रहे हैं कि वो किसानों के हित पर है, और कांग्रेस, सुभाष जी, सूर्यकांत धस्माना साहब का कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक आपने तो ये जो डिबेट आज की है, ये किसानों के मुद्दे पर हरीश रावत जी के द्वारा जो मौन व्रत धारण किया जा रहा है उसके संदर्भ में है, तो मेरा कहना ये है कि कोई एक ऐसा उल्लेखनीय काम वो बता दें कि उनके कार्यकाल में जो है वो भी मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के अंदर, किसानों के लिए कुछ किया गया हो, गन्ना किसानों के लिए किया गया हो, दूध किसानों के लिए किया गया हो, तो हम समझ लेंगे कि हाँ वास्तव में जो है वो किसानों के हितैषी हैं। जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ किया नहीं, आज जो बिल जो है किसानों को लाभान्वित करने के लिए जो विधेयक किसानों के हित में जो है सरकार ला रही है, उसमें मीन में एक किसान कर आप किसानों को भ्रमित करके एक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, एक आक्रोश पैदा करना चाहते हैं, जब देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, पेंडेमिक से जूझ रहा है, जिसका कहीं दूर तक जो है लगता नहीं है कि अभी कोई उसका कोई इलाज जो है या उसका कोई समाधान देश के सामने है। चीन का मसला आप तमाम लोग जानते हैं कि इस प्रकार चीन किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं। धस्माना साहब, सुभाष बर्थवाल साहब कह रहे हैं कि देखिए कोई किसानों के विरोध में नहीं है अध्यादेश, अध्यादेश किसानों के हित पर है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जबरन इसे मुद्दा बनाने पर लगी हुई है। क्या लगता है 2022 की लड़ाई इसी तरह के मुद्दों के साथ? आपको याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था, आपको याद है कि ये किसानों के लिए आज तक कभी उत्तराखंड के अंदर अगर आप बात करें तो हमारे पूरे कार्यकाल में, चाहे वो तिवारी जी का कार्यकाल रहा हो,
चाहे 5 साल 2012 से लेकर 2017 तक रहा हो, कभी भी थोड़ा सा बकाया अगर गन्ना किसानों का हुआ तो सरकार ने कहीं से भी व्यवस्था करके गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया। ये पहली सरकार है राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक जिसमें एक दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली। पूछिए गलत है या सही है। चलिए सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष बर्थवाल साहब आपका भी शुक्रिया। तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी किसानों के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ सियासत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त रेलवे का निजीकरण करने का लगातार विरोध हो रहा है उत्तराखंड में। नॉर्दर्न इंडिया रेलवे मैंस यूनियन कर रहा है निजीकरण का विरोध। रेलवे स्टेशन के यूनियन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदर्शन में शामिल होकर निजीकरण का विरोध किया है। यूनियन अध्यक्ष उग्रसेन ने बताया है कि 19 सितंबर तक ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा या आंदोलन चलेगा। इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा जुड़ रहे हैं। फहीम, रेलवे के निजीकरण का विरोध चल रहा है और कांग्रेस अब इस पूरे विरोध प्रदर्शन को हवा दे रही है। बिल्कुल, देखिए जो रेलवे कर्मचारी हैं वो निजीकरण को लेकर के विरोध में हैं। इनका कहना है कि निजीकरण से कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे, व्यवसायें प्रभावित होंगी और उनकी दूसरी और भी मांगे हैं जो इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस आंदोलन को वो जिस तरीके से एग्रेसिवली ले रहे हैं, अब उसमें कांग्रेस ने अपनी दखल दी है और कांग्रेस ने समर्थन किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष वहां पहुंचे और लोगों को समर्थन देते हुए कर्मचारियों को निजीकरण का विरोध किया है। ये केंद्र सरकार का इसको गलत फैसला करार देते हुए इसके विरोध में बात कही है। यानी जो आंदोलन है उसको राजनीतिक रूप से विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति। बिल्कुल फहीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर में भी आपका अपडेट लेते हैं। तो रेलवे के निजीकरण का विरोध हो रहा है और रेलवे मेंस यूनियन कर रहा है इस पूरे निजीकरण का विरोध। बाकायदा प्रदर्शन चल रहा है रेलवे स्टेशन के यूनियन कार्यालय पर, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सूर्यकांत धस्माना भी यानी कांग्रेस भी अब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है। तो ऐसा कोई भी मुद्दा कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती जिसके जरिए सरकार को घेरा जाए। रेलवे स्टेशन में इस वक्त यूनियन कार्यालय पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की देहरादून शाखा इस निजीकरण का विरोध कर रही है। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में 28 अहम फैसले लिए गए हैं। एमएसएमई के तहत भारत सरकार की राहत को राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। मास्क पहनने को लेकर कानून बनाया जाएगा। मसूरी में राधा भवन के लिए भूमि अधिग्रहण का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों के वेतन भत्तों के तहत विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी मिलेंगे केदारनाथ धाम में हक हुकूक धारियों को चबूतरे के बदले अलग से भूमि देने का फैसला किया गया है। तो उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो गई है। फहीम, इस वक्त रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कई अहम निर्णय लिए गए हैं। देखिए बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने अपने दर्शकों को बताया था कि इस कैबिनेट की बैठक में दो तीन चीजों को लेकर के फोकस रह सकता है। एक तो स्वरोजगार के तहत, दूसरा ये कि कोविड को लेकर के रोजगार स्वरोजगार को लेकर के सरकार काफी कोशिश कर रही है। तो इसमें देखने को मिला है मास्क पहनने को लेकर के कानून सरकार बनाएगी, जिसको एक अध्यादेश के जरिए पिछले दिनों अनिवार्य किया गया था, उसको एक अधिनियम का रूप दिया जाएगा। और उसी जो बजट जो माफ कीजिएगा जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है 23 से, इसमें इसका विधेयक आएगा। दूसरा, एमएसएमई के तहत केंद्र सरकार ने कुछ राहतें दी हैं ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। एक लघु उद्यम और जो छोटे सूक्ष्म उद्यमों को लेकर के, तो राज्य सरकार ने अपने यहाँ की जरूरत महसूस करते हुए उसको एज इट इज अपने यहाँ सहमति दी है और वो लागू किया जाएगा। उसमें
बहुत छोटे स्तर पर अपने कारोबार शुरू किए जा सकते हैं जो कि स्वरोजगार से जुड़े हुए और छोटे रोजगार से जुड़ी हुई व्यवस्था है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है वो है केदारनाथ धाम में जो चबूतरे पर हकूदारियों जो सदियों से हकूक है वो अब नए सिरे से उसमें थोड़ी व्यवस्था की गई थी पुनर्निर्माण के तहत, तो उसमें अलग से भूमि देने का फैसला हुआ है ताकि हकूकधारियों का किसी तरीके का कोई हित प्रभावित ना हो। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के तहत भी कुछ फैसले लिए गए हैं और संस्कृति निदेशालय में एक महानिदेशालय का पद भी किया गया है, सज्जित किया गया है। चलिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फहीम। तो कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।